छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेसी नेताओं के बीच गुटबाजी अपने चरम पर है और अब मामला सड़कों पर मारपीट तक पहुंच चुका है। ताजा मामला बिलासपुर के मैग्नेटो मॉल के सामने हुआ, जहां बड़े नेताओं के स्वागत सत्कार में लगी यूथ कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे को ही जमकर पीट दिया। इतना ही नहीं, थाने में कम धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज किए जाने से नाराज दूसरे पक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। वहीं सतनाम समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर परिसर पर ही बैठ गए। आपको बता दें कि मैग्नेटो मॉल के सामने मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले नितेश सिंह ठाकुर, जो कि मस्तूरी ब्लॉक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और अन्य साथियों ने कांग्रेस के ही यूथ विंग के विश्वजीत अनंत के पुराने विवाद को लेकर गाली गलौज करते हुए जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। चोट इतनी गंभीर थी कि विश्वजीत को तत्काल प्रभाव से बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सिविल लाइन थाने में मारपीट की सामान्य धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। सिविल लाइन CSP संतोष पटेल की माने तो अस्पताल से मेमो के आने पर जांच के बाद अन्य धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। मांग लेकर आए हैं, किस तरह की मांगे हैं बताएंगे। कल एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को चोट आई है मैग्नेटो मॉल के सामने। उस संबंध में रात में FIR दर्ज की गई है सुसंगत धाराओं में। अपोलो हॉस्पिटल से मेमो आया था जिसके बेसिस पर धाराएं लगाई गई थी। जो यहां पे लोग आए हैं उनका कहना है कि उसमें और कुछ धाराएं बढ़ाई जाएं चोट के आधार पर। हमारा ये कहना है कि जैसे ही हमें अपोलो हॉस्पिटल से रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके बेसिस पर जो भी कानूनी प्रक्रिया उसके बेसिस पर हम कोई भी धारा जोड़ेंगे। तो अभी इनका ये लोग यहाँ पे आया है, अपनी मांग इन्होंने रखी है धारा बढ़ाने की। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट का वेट करेंगे, उसके बाद ही आगे की कोई कार्रवाई करेंगे। यहाँ रिपोर्ट लेकर आए हैं, इनके रिपोर्ट को माना जा रहा है। ये जांच हम लोग जो डॉक्टर का ओपिनियन होता है उसके बेसिस पे आगे की कार्रवाई करते हैं। जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है वो यही कहती है। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने अपना एक पत्र भेजा है अपोलो हॉस्पिटल को, और उसके बेसिस पे जब डॉक्टर की ओपिनियन सहित रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम लोग कोई कार्रवाई कर पाएंगे। सर्वप्रथम मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि लगातार सतनामी समाज को अन्याय अत्याचार का अनेक तरफ से, चाहे सामाजिक से हो, चाहे व्यक्तिगत से हो, चाहे अन्य प्रकार से हो, प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं न कहीं सतनामी समाज को नज़रअंदाज करते हुए, कमी नज़र करते हुए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज बिलासपुर में जो इतना बड़ा घटना घटा हुआ है, जो हमारे सतनामी समाज से विश्वजीत सतनामी जिनका नाम है, जो मस्तूरी में रहते हैं, वो अखिल भारतीय सतनाम सेना के ग्रामीण जिला अध्यक्ष थे और हैं, और कांग्रेस के भी उपाध्यक्ष अभी बीच में बने हुए थे। ऐसे घटना को ऐसा अंजाम दिया गया है, इस तरह से प्लानिंग करते हुए हमारे बच्चे को इस तरह से जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ है। उनका पूरा डॉक्टरी से हम मिल के आए, वहाँ उनसे रिपोर्ट भी है जो उन्होंने दिया है अपोलो हॉस्पिटल से। वहाँ के डॉक्टर लोगों ने बताया कि उसके सिर में चोटें आई हैं, सिर में और जो जबड़ा होता है, जबड़ा फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है, जो ये एरिया है जहाँ से ये एरिया भी टूटा हुआ है, साथ ही उसके सर पे चोट है बड़ी, 8 टाके लगे हुए हैं बता रहे हैं। इतना बड़ा हादसा, वो भी इतने बड़े सिटी के बीच में, इस तरह से, वो भी मैग्नेटो। बता दें कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी और मारपीट की घटना राज्य सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे। इस घटना ने बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा दे दिया है। इस पूरे मामले में बड़े कांग्रेसी नेता अब तक सामने नहीं आए हैं। वहीं सतनाम समाज के गुरु सौरभ साहब ने अपने समर्थकों के साथ थाने में मौजूद है। आरोपी की गिरफ्तारी और धाराओं को लेकर थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए बिलासपुर से शेष कुमार यादव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।